सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह उठ के मैंने जैम, केला और ब्रेड खाया था क्योंकि आज मेरा है एग्ज़ाम। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद ट्रिपल ए। तो गाइस, आज है मेरा ऑनर्स पेपर का एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, मतलब सेक पेपर का एग्ज़ाम। तो ये मेनली दो पेपर में डिवाइडेड है। एक है 50 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम, जिसमें ट्यूटोरियल, फिल्म रिव्यू और हम लोग को एडिटोरियल लिखना पड़ेगा, मतलब फीचर और एडिटोरियल और फिल्म रिव्यू या बुक रिव्यू भी आप लोग लिख सकते हो। एंड और एक है पेज मेकअप, जो फ्रंट पेज मेकअप होता है वो करना पड़ेगा हम लोगों को कंप्यूटर में, जो बहुत ज़्यादा हैक्टिक होने वाला है। कोई 16 साइड जो होता है एडवर्टाइजमेंट, वो भी खुद से बनाना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। और कंप्यूटर नहीं है मेरे पास, लैपटॉप नहीं है, तो उतना प्रैक्टिस तो नहीं हो पाया है। तो देखते हैं कितना कुछ होता है। तो कल संप्रीति के घर गए थे, थोड़ा बहुत कुछ प्रैक्टिस किए थे, पर जिस सॉफ्टवेयर में हम करने वाले हैं वो तो इंस्टॉल नहीं हुआ था, तो इसलिए उतना कुछ तो नहीं कर पाए। तो फिर चलो, यही सारा बात था। और उसके साथ और एक बंगाली में टाइपिंग करके राइटिंग भी लिखना है, तो बहुत हैक्टिक वाला दिन जाने वाला है। 4 घंटा एग्ज़ाम होगा, 2 घंटा थ्योरी, 2 घंटा प्रैक्टिकल। एंड आई होप सब ठीक से हो। टाइम कितना मिलेगा नहीं पता, 4 घंटा बहुत ज़्यादा लग रहा है, पर जितना सारा काम हम लोग करना पड़ेगा, सोच सोच के लिखना वगैरह सारा, तो 4 घंटा भी कम पड़ जाएगा। तो फिर चलो, यही सारा बात था। तो हमारा जो सीट पड़ा है ना, वो पड़ा है बेहाला कॉलेज, जो हमारे घर से 5.7 किलोमीटर दूर है, करीब करीब 6 किलोमीटर दूर है। तो अभी बस पकड़ना, डायरेक्ट बस नहीं जाता है, बस पकड़ेंगे, उतरेंगे, फिर ऑटो लेंगे, सारा करेंगे। और फर्स्ट टाइम अकेले अकेले जाएंगे उतना दूर। बेहाला कभी मैं से ट्रैवल नहीं किया है। मेरे दादाजी गए थे, मुझे बाइक से लेके दिखा दिए है कौन से रूट से जाना पड़ता है, क्या क्या बात है रूट से। तो फिर चलो निकलते हैं जल्दी से, और इन तक बने रहो, देखते हैं क्या होता है। और फिर मेरी मम्मी मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने आ गई थी। एंड ये था सुबह का, तब कम से कम 8:30 के आसपास बज रहा था, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था 11 बजे और वो डेस्टिनेशन हमारे घर से 7 किलोमीटर दूर था। तो मम्मी मुझे बस पे चढ़ा दी थी, और जाते ही बस मिल गया था, तो इधर से बस पकड़ के मैं आ गई थी। एंड उसके बाद ये रास्ता बहुत बिजिएस्ट था, तो रोड क्रॉस की एंड उधर साइड से ऑटो मिलता है, उधर से ऑटो ली। एंड मुझे चीन के जाने में उतना दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि चाचा जी मुझे सारा दिखा के लेके गए थे परसों ही। एंड ये था बेहाला कॉलेज, उसके सामने आ गई थी, और आके मेरे 2-3 दोस्त भी आ गए थे। तो करीब करीब 10:30 बजते हम लोग को अंदर जाने के लिए अलाउ किया गया। एंड अंदर आके इतना प्यारा एम्बियंस, इतना सुंदर वेन्यू, सारा देख के बहुत अच्छा लगा। और इधर ही हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, पर देख के जितना अच्छा लगा, पर एग्ज़ाम देने का उतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। क्यों नहीं था सारा मैं बताऊँगी एंड तक। तो फाइनली प्रैक्टिकल एंड थियोरी 4 घंटे का एग्ज़ाम देने के बाद कॉलेज से हम लोग निकल गए। तो 4:30 घंटा हो रहा था, तो उनका जो ये प्लेग्राउंड था उधर भी हम लोग थोड़ा आ गए थे, देख लिए। फिर फाइनली टाटा बाय बाय बोल के कॉलेज को हम सारा दोस्त लोग थोड़ा गॉसिप करते करते ही निकले थे, क्योंकि यार इधर का जो एक्सपीरियंस था बहुत ख़राब था। एंड पूरा बारिश हुआ 1.5 घंटे से भी ज़्यादा। एंड फाइनली सब टाटा बाय बाय बोल के इधर हम लोग चल के गए थे, क्योंकि हम लोग बोलते बात करते करते चल के जाएंगे, पर हम लोग सोचते थे बहुत कम है यार जगह, मतलब चलेंगे ना उतना टाइम नहीं लगेगा, पर ऐसा नहीं था। चलते चलते और बहुत टाइम हो गया था, तो फिर क्या बोले, आते ही बस मिल गया था, तो सबसे अच्छी वाली बात थी। और देखो पूरा भीगा हुआ है, पर हम जैसे तैसे बैठ गए, क्योंकि और बैठने का जगह नहीं था। एंड फाइनली ऐसे ही रोड पे जा रहे थे, जाते जाते संप्रीति के साथ, शुंचिता के साथ, प्रिया के साथ, सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किए कि एग्ज़ाम देखिए कैसा गया, क्योंकि कल है उनका एग्ज़ाम, तो उनका थोड़ा टेंशन बढ़ा ही दिए बोल सकते हो। फाइनली घर आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था गाइस जिस टाइम हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा था, एंड उससे भी बढ़ के बाद जो हुआ है क्या ही बताओ यार। बस नहीं मिल रहा था, ऑटो नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। एंड और भी कुछ बैड न्यूज़ हुआ है, जो बहुत ज़्यादा ही बैड है, मैं बाद में बताऊँगी। अभी बहुत ज़्यादा थकी आ रही हूँ, बस सुबह हम खा के गए थे, बस अभी तक मैं कुछ नहीं खाई हूँ। अभी 5:30 बज रहा है, तो फिर कुछ खा लेते, क्योंकि अभी 5 मिनट भी बाकी नहीं है, तो बच्चे लोग अभी बस आते ही होंगे, तो उनको पढ़ाना भी है। तो चलो फिर बाद में बात करते हैं। तो फिर क्या था, और फटाक से मैं इधर खाने बैठ गई थी, मछली का, अंडे का बड़ा, पटला, आलू का कड़ी, यही सब था। एंड बच्चा लोग भी पढ़ने आ गए थे, थोड़ा बहुत खाई, थोड़ा बहुत नहीं खा पाई, तो इसीलिए बहुत तेज भूख लग रहा था। फिर मेरा ऑनलाइन क्लासेस था, वो मैं अटेंड कर रही थी रात को, बहुत हैक्टिक वाला दिन गया। पापा को बोले रोल ला के दे दो, तो वो भी हम खा लिए। एंड रात को फिर थोड़ा सा चावल था, आम दे के दाल था, एंड फिर अंडे का फ्राई, इधर आलू और झींगा का पोस्तो बना था, तो बहुत टेस्टी था, सारा खा ली थी। एंड फाइनली ना मेरी मम्मी गई थी दुकान, क्योंकि मेरी जो दीदी है बुआ की बेटी, तो उनकी जो बेटी है उनका ना, मतलब मुंह में जो पहला चावल होता है वो वाला जो राइस सेरेमनी होता है वो है, तो उसके लिए कुछ वो लोग ऑर्डर किए थे, तो वो सब आ गया था। तो वो भी आप लोगों को दिखा दिए, जैसे गले का एक था पेंडेंट टाइप्स, एंड उसके साथ
ये था हाथों का झुमका, पैर में भी ये सब लोग पहनते हैं, चूड़ी जैसा होता है, तो यही सारा था। एंड एक चूड़ी भी था हाथ का जो उनकी उसकी बड़ी जो दीदी है उसका था। एंड देखो कितना गंदा तरीके से बारिश स्टार्ट हो गया था, और सोचे थे बारिश स्टार्ट हो गया तो आराम से सो पाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। क्यों नहीं था आगे देखो, समझ में आ जाएगा। तो पड़ोस के मतलब उधर से देख सकते हो पूरा हमारे घर में पानी गिर रहा था, और बहुत दिक्कत से हम लोग थे, फार रात ठीक से सो नहीं पाए, जैसे आप लोग देख सकते हो। इतना तेज़ बारिश हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ, एंड बहुत दिक्कत हुआ सोने में भी हम सभी को, क्योंकि यार इधर से पानी टपक रहा था, फिर सारा सो नहीं पाई, इतना तेज़ बिजली कड़क रहा था, तो फिर पानी टपक रहा था हर जगह से, तो ठीक से सो नहीं पाए रात को, और कल आते थे बात भी शेयर नहीं कर पाया क्योंकि इतना तेज़ बारिश हो रहा था, दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा था इसीलिए। तो जो मैं बता रही थी, तो वो कॉलेज एम्बियंस बहुत सुंदर था, दिखने में बहुत सुंदर था, सब कुछ सुंदर है, उधर के जो सर लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, पर मैम लोग थोड़ा बहुत डांटती है जो हम देखिए छोटी छोटी बात को लेके। एंड उससे भी ज़्यादा जो चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा गाइस, वो है उधर का कंप्यूटर का, सारे सॉफ्टवेयर्स अलग थे, हमारे कॉलेज में जो सब में हम लोग प्रैक्टिस किए हैं उससे ज़्यादा वो सब अलग थे, अलग किस्म के थे। सबसे बड़ी बात है कि वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, हम लोग किए थे A3 में, उधर टैबलेट था, A3 का ऑप्शन ही नहीं था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। ऊपर से कीबोर्ड ख़राब था गाइज, लिटरली मैं कुछ टाइप कर रही हूँ कुछ और ही टाइप हो रहा है, इवन अकेले अकेले टाइप होते जा रहा है, कीबोर्ड ख़राब था, मॉनिटर हैंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ हम लोग को पेज बनाने में। इवन 16 साइड कैसे तैसे बना लिए फोटोशॉप से, पर उसको हम फिर ला ही नहीं पाए कट करके, इतना दिक्कत हो रहा था, और वो लोग उतना कोऑपरेट फिर नहीं कर रहे थे, हम लोग क्या ही बताएं। तो बस हम सोच रहे थे मेरा ही कंप्यूटर ऐसा ख़राब कर रहा है, पर नहीं, सबका। जब एग्ज़ाम देके निकले एंड सबसे पूछे, सब लोग बोलने लगे कि भाई मेरा भी ऐसा काम कर नहीं कर रहा था, ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, सबका। इवन जब कॉलेज का ग्रुप में जब मैम लोग पूछी ना कि कैसा गया सबका, एकदम सबका रिएक्शन ऐसा ही था कि थ्योरी पेपर हम लोग सोचे थे बहुत गंदा जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, थ्योरी पेपर बहुत अच्छा गया, प्रैक्टिकली ख़राब गया जस्ट बिकॉज कंप्यूटर ख़राब था। तो यही सबको लेकर थोड़ा दिक्कत हुआ था, पर क्या ही कर सकते, जब जैसा हुआ है हो ही गया है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम हो गया है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम हुआ था, और जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे, हमारा जो फ़ोन था वो बैग था वो अलग और रूम पे था, और उसमें लॉक लगाया दिया गया था, तो इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए, 4 घंटे में कोई हम अच्छे से क्लिपिंग्स नहीं ले पाए। जब वाले एग्जाम दे रहे थे तब ना बाहर ना मतलब बारिश हो रहा था, और बर्फ़ का टुकड़ा गिरता ना उसके साथ जो बारिश होता है, हम लोग बिल्कुल उसको बोलते शिलावृष्टि, तो उसके साथ ही मतलब वो हो रहा था। इवन जब हम लोग बाहर निकले बहुत ज़्यादा पानी जमा था हर जगह, एंड इसीलिए भी कंप्यूटर दिक्कत कर रहा था, हो सकता है क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था, बिजली कड़क रहा था, ये सब भी रीजंस हो सकते हैं, उतना मुझे नहीं पता। तो यही सारा हो रहा था, पर जैसा भी हो गया। एंड रास्ते में आते आते हम प्रिया और संपी के हम लोग बहुत फ़ोन में बात करते करते आ गए, तो उनका भी एग्ज़ाम फिर उनको हम बता दिए, क्योंकि मेरा जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मेरे बहुत सारे दोस्तों का नहीं था, तो इसलिए उनको हम सारा बता दिए थे, तो जिससे उनको थोड़ा हेल्प हो जाए। तो यही सारा बात था, ओवरऑल एग्ज़ाम जैसा गया है ठीक ही गया है, अब देखते हैं कितना कुछ हो सकता है, क्या बात है ना। तो चलो बाय बाय आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।